गोरखपुर सदर लोकसभा के सांसद रवि किशन शुक्ला ने शुक्रवार को संसद में भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के साथ ही गोवंश के वध के प्रतिषेध करने वाला प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया। सांसद रवि किशन ने गोरखपुर को एक अलग पहचान देने का जिम्मा उठा लिया है, उसी के मद्देनजर वह संसद में बोलते नजर आते हैं। शुक्रवार को सांसद रवि किशन ने भोजपुरी समाज को लेकर मुद्दा उठाया। उनका मुद्दा था कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करना। इसको लेकर सांसद रवि किशन शुक्ला ने बिल पारित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि भोजपुरी केवल देश की ही नहीं बल्कि कई देशों की भाषा बन चुकी है। विदेशों में भी भोजपुरी बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए इस पर ध्यान रखते हुए भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। साथ ही गो और गोवंश के वध के प्रतिषेध करने वाला प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किया। करेंगे भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। इसमें मेरा भी नाम सूची में सम्मिलित है और माननीय मंत्री जी बैठे हैं, हम लोग तो इस बिल को विड्रॉ कर ले। अगर सरकार आज ही कह दे कि भोजपुरी को, राजस्थानी को और भूटी को सम्मिलित कर ले तो रवि किशन जी आपको करना है, ये वरिष्ठ सदस्य है, आप अपन नए सदस्य हैं, आप तो करते रहे। प्रश्न एक विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए, जो सदस्य उसके प्रश्न हा कहें, जो विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हा लोग पक्ष हुआ, हा वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है, विधेयक को पुनः स्थापित करें। अरे अरे आप लोग हमको भसा रहे हैं। अरे बिल्कुल नहीं नहीं, अभी अभी प्रस्ताव रखे हैं, अभी नहीं, अभी प्रस्ताव पूरा स्थापित करेंगे। 36 प्रस्ताव करेंगे कि गो और गोवंश के वध का प्रतिषेध करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न एक विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हा कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हा वालों के पक्ष हुआ, हा वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है, विधेयक पुनः स्थापित करें। पूरा स्थापित भी करें। 37 प्रस्ताव करेंगे कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हा कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हा वालों के पक्ष हुआ, हा वालों के पक्ष हुआ, अनुमति प्रदान की जाती है, विधेयक को पुनः स्थापित करें। मैं विधेयक को पुनः स्थापित करता हूं। 38 माननीय सदस्य 38 मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी। प्रश्न है कि विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हा कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हा वालों के पक्ष हुआ, हा वालों के पक्ष हुआ, अनुमति प्रदान किए थे, विधेयक को पुनः स्थापित करें। मैं विधेयक को पुनः स्थापित करता हूं।